सर मैं रिक्वेस्ट करूंगा आप सब लोग अपने ऑडियो को म्यूट कर लें, या एक बार सबको मैं म्यूट कर रहा हूं बिफोर आई हैंड इट ओवर टू आप. We are truly honored to have two distinguished speakers, and the third speaker is also joining us in a couple of minutes. And this panel, we have had discussions since yesterday on different ideas and issues of Bihar. And today, we are extremely, extremely delighted to have with us Sushil Kumar ji, who is joining us from Bombay. And he has been really occupied because his movie released only a couple of days ago. And I think for the first time on a digital platform. So this is something which is phenomenal. And very few people know that he hails from Bihar. So he has joined us. And we also have among us eminent social thinker and academic Manisha Priyamji, who is a voice in herself and regularly features in national and international dailies. Her work on public policy, economics and finance is something which is amazing. And we look forward to hearing from you, ma'am, as well. And we also have Sri Rajesh Kumar, who is a native of Gaya. And we all know him as Roshesh from Sarabhai versus Sarabhai. So we'll also have him. But I would request Apoor to take over from here and moderate the session. Apoor has been a dear friend since the last 15 years. He's an adjunct faculty of law at Ashoka University and a senior research fellow at a New Delhi-based premier think tank, India Foundation. And also one of the co-founders of Robin Hood Army. Robin Hood Army is one of the largest voluntary organization which actually takes the leftover food from restaurant and distribute it to the needy in, I think, 30 cities across the country. Over to you, Apoor. Thank you, Guru. Thanks for those kind words. Today's session, which is on day two of the Bihar Young Thinkers Meet, focuses on root to roots. This is a specially important session for all of us. We have a very important session for all of us. क्योंकि प्रदेश का एक बहुत बड़ा तबका है जो कि प्रवासी जीवन जीता है. अभी 3 महीने पहले ही इंस्टीट्यूट ऑफ पॉपुलेशन स्टडीज का एक रिपोर्ट आया था जिसमें बताया गया था कि बिहार में हर दूसरा घर माइग्रेशन पे डिपेंडेंट है. 50% ऑफ हाउसहोल्ड्स इन बिहार डिपेंड ऑन माइग्रेशन. तो प्रदेश से बाहर रह के बिहारी आइडेंटिटी से कनेक्टेड रहने का प्रयास हम सभी लोग करते हैं. काफ़ी बड़ा समाज का एक तबका जो ये कर रहे हैं. और इसी थीम पे आज हमारे साथ तीन बहुत ही बड़े, बहुत ही प्रसिद्ध वक्ता जुड़े हैं. पहले मैं इन तीनों का परिचय दे दूंगा, उनके बाद मैं इनको रिक्वेस्ट करूंगा कि अपनी बात करीब 7 से 8 मिनट में रखें. उसके बाद हम लोग फिर Q&A सेशन में जाएंगे. Q&A सेशन में यदि आपके लिए कोई आपके पास कोई सवाल है हमारे स्पीकर से तो आप चैट बॉक्स में डाल सकते हैं क्वेश्चन को, और अभिषेक जी और गुरु आपका क्वेश्चन सिलेक्ट करके टुवर्ड्स द एंड ऑफ द सेशन हम लोग हम लेके उनसे पूछ लेंगे हमारे स्पीकर से. तो यदि आपको कोई क्वेश्चन रेज करना है किसी भी स्पीकर से तो आप चैट बॉक्स में प्लीज अपना क्वेश्चन डाल दीजिए, हम लोग सेशन के एंड में वो सारे Q&A सेशन में ले लेंगे. गुरु राजेश जी जुड़ गए हैं क्या हमारे साथ? मनीषा जी और शिव जी जुड़ गए हैं, राजेश जी बस जुड़ने ही वाले हैं किसी भी टाइम. अच्छा तो मैंने उनको मेरा वीडियो आ रहा है क्या? मैं राजेश बोल रहा हूँ. अच्छा ओ सॉरी यू आर हियर. ओ या राजेश जी से है. या राजेश जी है सॉरी. अब बिकॉज़ खेत पे हूँ तो गर्मी में पसीना बहुत चल रहा है. अच्छा नहीं नहीं यू आर हियर सर यू आर हियर. हां पूर ग्रेट ग्रेट टू हैव यू राजेश जी. तो हमारे फर्स्ट स्पीकर जो है आज पहले वक्ता है वो है श्री राजेश कुमार. राजेश कुमार जी जैसा गुरु ने बताया बहुत ही फेमस आर्टिस्ट है. Done some landmark roles in TV series like Sarabhai vs. Sarabhai, Sarabhai vs. Sarabhai Take 2. और आप इनको बा बहु और बेबी में सुबोध ठाकुर के रोल से भी जानते हैं. तो बहुत ही फेमस कलाकार हैं. मैं रिक्वेस्ट करूंगा राजेश जी से इफ यू कुड टेल अस योर लाइफ स्टोरी इन अबाउट 7 to 8 minutes एंड हाउ हैज योर बिहारी आइडेंटिटी प्लेड अ रोल इन शेपिंग योर प्रोफेशनल लाइफ. बिफोर ही स्टार्ट आई मस्ट टेल यू कि रूट टू रूट्स में राजेश जी का आना एक और स्पेशल महत्व इसलिए क्योंकि वो अभी बॉलीवुड में अपना कैरियर छोड़ के वापस बिहार आ गए हैं. तो ही इज समवन हु इज स्पेशली यू नो प्लेस टू टॉक अबाउट द थीम ऑफ रूट टू रूट्स. सो राजेश जी ओवर टू यू. थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस टुडे. ऑन टू यू सर. थैंक यू सो मच. 7-8 मिनट बहुत जीवन को इतना फास्ट फॉरवर्ड में देखना कई बार मुश्किल हो जाता है. बट हाँ मतलब इस पैंडेमिक में और कोरोना के टाइम में आई थिंक 7-8 मिनट्स ऑफ लाइफ इज आल्सो गुड लाइफ.
But as far as I haven't left my career in the sense ki acting nahi choda hai, lekin haan farming se zarur jud gaya hoon main. Because to do something as a passion, you don't need to leave any of your profession. So I personally believe that matlab kheti karne ke liye mujhe acting chhodne ki avashyakta padegi. As far as life goes, it's been 21 years. I would say that it's been 2 decades I've been working in film and television industry and still have not decayed. Kafi sara kaam kiya hai pichle 21 saal mein. Bihar se padhai jo hai wo Dehradun mein schooling hui aur college jo hai wo Delhi ke Hindu college mein hone ke baad fir Mumbai aa gaya tha seedha. And I would consider myself as one of the fortunate actors jiska ek to koi godfather nahi tha, uske baad bhi kaam mila. Kabhi maine apne life mein apna portfolio nahi banwaya hai, jaisa ki aksar log bolte hain ki aapko apne portfolio ko bana karke hi kaam milta hai. So, aaj tak maine apna portfolio nahi banwaya hai. I've been just working and I've been lucky enough to get all kind of work. As far as the turnaround in the acting career came, that happened after 5-6 years of doing work and still not getting something which I could cherish throughout my life. Uske baad ye Sara Bhai versus Sara Bhai 2004 mein hua, and then life was BC Sara Bhai and AD Sara Bhai. So after Sarabhai, things have changed a lot. People have started associating me with a lot of, comedy serials or comic roles ke liye kafi logon ne pasand kiya, and I've been continuing that journey. Abhi tak chal hi raha hai wo silsila. In fact, lockdown mein hamari shooting sabki ruki hui hai, but I have signed a project which will be going on floor the moment ये सब कुछ खत्म होता है and we start shooting and all. तो वहाँ से एक सिलसिला शुरू हुआ था. फिर 2017 में एक परिवर्तन आया जीवन में. I was part of Rally for River, सदगुरु का जगी वासुदेव ईशा फाउंडेशन, जहाँ पे नदियों को रिवाइव करने की बात हुई थी. अक्सर लोग नदी बचाओ अभियान पे होते हैं, लेकिन नदियाँ चूंकि अब खत्म हो गई हैं, तो नदी रिवाइव करने के पीछे एक अभियान चला था. So I was very much at the periphery of it. बहुत ज़्यादा अंदर गया नहीं था उस विचार के साथ कि मेरे अंदर शायद कोई परिवर्तन आ जाए. But जब मैं अपने खेत में जो गया के पास है, बोधगया के पास है, वहाँ पे जब मैं वहाँ पहुँचा था, तो बड़ा अजीब सा एक नज़ारा देखा कि जिस चीज़ की बात हो रही थी कि नदियाँ सूख गई हैं, वो हमारे खेत के ठीक सामने ही था. Then and there, I decided myself that, why not jump into farming? Because it's about saving soil. It's about the moment everything is related to soil, whether aap food ugane ke liye soil ko use kar rahe hain ya pani bachane ke liye soil ko use kar rahe hain. Plantations khatam ho gayi hain, trees wagera ka jo pura ek silsila tha, ek hi generation ke andar. We are surviving on this planet as though we are the last generation, taking every bit of it and not giving back in some way or the other way, not educating the newer generation to take up farming as a career option. So all these things did a major shift in me, and main 2.5 saal maine zarur acting se apne aap ko backseat pe rakha, and I was working with the farmers in Bihar, but then I realized that it's a very it's not that easy, so I'll have to create something. Ek model village ke taur pe mujhe kuch ek banana padega, kaam karna padega. Pehle uski shuruaat ek model farm se hogi, jo horticulture based hoga, jo tree based hoga, aur usse aapki income jo hai wo conventional farming of dhaan, gehu and ganna se hat karke aap fruit ugane ki taraf jayenge, aap sabziyan achhi ugayenge. So all these challenges I started taking up. And Bihar mein ye karne ke baad, jo 17 acre pe kaam chal raha hai, wahan pe hum logon ne lagbhag 9000 9500 ped lagaye hue hain, jisme 6000 drumsticks ke hain moringa ke, which has been declared superfood by America. So sahajan ki kheti ho rahi hai wahan pe, aam hai, amrud hai, neebu hai, papita hai, kela hai,
इस तरह के वो सारी चीजें हैं बेस्ड ऑन कंप्लीट ड्रिप इरिगेशन विच इज टूडेज बेस्ड आई मीन वे ऑफ इरिगेशन. वो करने के बाद हम लोगों ने अब फिर मैं वहां से महाराष्ट्र आ गया. यहाँ पे मैंने कुछ 30-35 एकड़ जमीन किराए पे ली है जहाँ पे मैं एब्सोल्यूट नेचुरल फार्मिंग कर रहा हूँ. ऑर्गेनिक भी नहीं कहूंगा, ऑर्गेनिक इज अ वेरी रॉन्ग वे ऑफ सेइंग इट बिकॉज हम लोग कोई भी केमिकल यूज नहीं करते हैं. सारी देसी गाय के गोबर और गौमूत्र के बेस खेती होती है. पेस्टिसाइड के लिए, कीड़ों के दवाई के लिए हम लोग उन पत्तों का प्रयोग करते हैं जो गाय और बकरी अमूमन नहीं खाते हैं, उनसे दवाइयां बनाते हैं हम लोग. तो वो यहाँ पे मैं एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ. यहाँ पे महाराष्ट्र में जो लैंड मिला था बहुत ही बंजर जमीन मिली थी, वहां पे 25,000 पेड़ लगाए हैं फिलहाल, ड्रमस्टिक्स के ही लगाए हैं. सो ट्राइंग टू मेक दीज स्मॉल मॉडल फार्म्स अराउंड. सो दिस इज हाउ द लाइफ इज. और ये साफा उफा इसी चीज का वो है कि अभी भी खेत पे हूँ. यहाँ ह्यूमिडिटी ज्यादा है, बारिश हो रही है ऑन एंड ऑफ, तो अभी हम लोग खेत पर आए हुए हैं ट्राइंग टू रिवाइव इट. इस बार experimenting with a small patch of absolutely grown natural rice also, ताकि लोगों यहाँ ये पूरा belt जो है जहाँ पे हम लोग खेती कर रहे हैं पालघर district में, ये पूरा rice belt है. तो हम लोग एक छोटा सा patch 2-3 एकड़ का कर रहे हैं ये बताने के लिए कि आप urea और pesticide का use ना करें. Still you will get better rate in the market and you will be responsible for supplying something good. So this is my life in brief. I hope I finished in 7-8 minutes. Of course, Rajesh ji. Thank you so much for sharing your wonderful story. It's also a very inspiring story for a lot of us who really lost touch with our farms and the rural life. So just one quick question. Aap itne saal jab Mumbai mein the, when you were very busy with your career, did you get time to sort of visit Bihar regularly, or how else did you try to remain connected with your dukh dard vipatti? और कहती है मेरा बेटा काम करता है, मेरी माँ कहती है मेरी बेटी काम करती है, उसी तरह से ये श्रम कर्मी भी थे. दिल्ली में काम करता है और हमारे शहरों ने इनका क्या किया, किसी का 500 रुपया मारा, किसी को 1,000 रुपया नहीं दिया. बाद में अंत तक गुरुजी और उनके साथियों ने मुझसे कॉन्टेक्ट किया. हर जगह क्या कहानी थी, वही कहानी थी. और कोई मुंह से ये नहीं कहता था कि हम भूख से मर रहे हैं, लेकिन कहता कुछ मदद हो जाता तो किसी तरह हम गुजारा कर लेते. तो शब्दों में लालित्य होना कि जब भूखमरी से ना एकदम कर्मरत जो सर झुका हुआ है उसमें भी आप अपना मुंह खोल के मांगते नहीं है. तो जो ये समाज है जिसमें पैसा बहुत हो गया, उसने बिहारी को एक आइडेंटिटी दी. वो आइडेंटिटी क्या थी, नौकर चाहिए, लेबर चाहिए, मजूरा चाहिए, तो आप लेके आइएगा. और जब काम खत्म होगा तो वो लेबर जो है उसको कहीं चला जाना चाहिए. उसके शरीर की गंदगी जो है उसका मतलब बीमारी, वो आपको इन्फेक्ट कर देगा, तो वो आपको छोड़ के चला गया है. मुझे अब देखना है कि ये बिहारी आइडेंटिटी जो है इससे परहेज करने वाला एक बड़ा जनरेशन था. तब उस समय राजेश जी के जैसे बॉम्बे में या पटना में बहुत बिहारी लोग नहीं थे, तो ये बड़ा जनरेशन जो था वो छुपाता था इस बात को. और वो कहता था, ओ मनीषा यू स्पीक इंग्लिश सो वेल, आई डिडंट बिलीव यू आर अ बिहारी. सो दैट वाज अ स्टैंडर्ड जोक एंड द मोर इट वुड बी सेड टू मी आई वुड कीप टेलिंग माय सेल्फ दैट दिस इज वन आइडेंटिटी आई एम नेवर गोइंग टू लूज. And I can tell you that when I studied at the London School of Economics, I had gone on to high levels of scholarship, but the one identity that I did not have a problem with was the identity of being a Bihari. And even at that age, my professors would tell me, some of the finest supervisors I had would tell me, Manisha, your English still needs improvement. And I would tell them, it will, sir, this is not my language. You ask me to speak in Bhojpuri, you ask me to write in Hindi, I will write mistakeless. But isme aap mujhe, and they would listen to me. And I'm going to conclude by telling you one small thing. Ki apni bhasha se, apni identity se, apne rajya se kabhi parhej nahi hona chahiye. Lekin kis cheez se parhej hona chahiye? Koi bihari jo hai, wo agar dhan ka jyada GDP sharir pe pehen lena, itna sona, itna gahna, hamara jo tana bana hai, wo ye hai ki garibi की चादर हमारे शरीर पे होनी चाहिए. गांधी की ब्रांडिंग किसने की? गांधी की ब्रांडिंग गुजरात में नहीं हुई, गांधी की ब्रांडिंग उस गरीब किसानी में हुई जहां निल्हा पीठ पर कोड़ा चला चला करके और पैसा वसूलता था. और उस बिहार से कोई पूर्वाग्रह नहीं होना चाहिए, उसकी मैली चादर को ओढ़ने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए. और अंत में मैं ये कहूंगी कि जिस नदी का बार बार जिक्र राजेश जी करते थे,
मैं एक उत्साह का शब्द मुझे हमेशा याद रहता था कि जब मेरे फादर मुझे देखते थे, एक बार मुझे खींच के ले गए कि चलो तुम देखो मैं कहाँ पढ़ती हूँ, और ये आखिरी वाक्य है मेरा, तो मेरे फादर गए अपने धोती के कोने से, उन्होंने लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स का एक शीशा वाला दरवाजा था, उसको पोछा ऐसे ऐसे, कहा अच्छा हमार बेटी यहाँ पढ़े चलाए. Now then he spoke to me in London and he told me one line कि मेरे तो स्कूल जाने के लिए मैं इतना किलोमीटर दौड़ता था, उसके बाद एक नदी मैं तैर के पार करता था, तब मैं स्कूल पहुंचता था, 3 दिन 4 दिन वहीं रह जाता था, और मेरे जो इसमें गमछा में भूजा रहता था वो खा के मैं स्कूल में पढ़ा. तो मेरे लिए यही समझदारी है कि स्कॉलरशिप, किसानी, पसीना, श्रम कर्मी, गरीबी, इससे परहेज हमें कभी नहीं होना चाहिए. और जिसको आइडेंटिटी कहते हैं वास्तव में तो वो हम ही, अगर हम ही मर गए तो क्या बिहार. मैम थैंक यू सो मच, ये बात मतलब एकदम दिल को छू गई आपने जो बात कर, क्योंकि हम सबके लाइफ में हम लोग ने ये एक्सपीरियंस किया है, हम लोग सब ने कहानियां सुनी अपनी मदर फादर से कि कैसे एक समय था जब लोग बिहारी आइडेंटिटी से थोड़ा सा झेपते थे, थोड़ा छुपाते थे उसको, और वो कहानियां हम लोग सब ने सुन सुन के हम लोग बड़े हुए. और सही में दिल को छू गई. एक सवाल था मैम आपसे, आपने इतना बढ़िया काम रहा है आपका इंटरनेशनल डेवलपमेंट पे, बिहार में देखिए कल्चर ऑफ माइग्रेशन और उसका बहुत ही सिस्टमिक कारण है बिकॉज ऑफ यू नो द वाइड स्प्रेड पॉवर्टी इन द एंटायर स्टेट. तो मतलब पिछले 150-200 साल से बिहार से माइग्रेशन हो रहा है, पहले देश के बाहर और फिर इंडिपेंडेंस के बाद देश के अंदर, वेस्ट में, नॉर्थ में. तो मैम how do you think we can break this culture of migration, and should it be broken at all in the first place, because all the work that you've done about development model focuses on sustainability of development patterns around the world. So if you could just use your knowledge to talk a little bit about the economic model of migration in Bihar and how to get out of that. I used to live in a town called Chapra. I still remember, you know, there were households where we were told, अच्छा इनकी बेटी मॉरिशस में ब्याही है. So that I have left through state. Patna was a place that had a thriving quiz culture. Patna was a place that had a thriving musical center. Forget Patna, there were gharanas of gayaki. Gaya had a gayaki gharana. Gaya had some of the finest sitar players. Darbhanga was one of the most eminent centers of education.
तो एक जगह से उसको निष्प्राण करने का जो तरीका है उसको हम आज एक माइग्रेशन नाम का बड़ा करली ब्रैकेट बना देते हैं। तो वापस जब तक इंटेलेक्चुअल, दया, माया, मोह, त्याग, इंटेलेक्चुअल हैज मेनी रोल्स, इंटेलेक्चुअल इज नॉट अ कैपिटलिस्ट, इंटेलेक्चुअल वो बहस इजाद करता है। फॉर एग्जाम्पल यहां से मैं फोन से लेबर से इंटरव्यू करती हूँ वर्सेस इफ आई वर डूइंग दिस लॉट्स ऑफ सोसाइटीज। और त्याग की अभी भी जरूरत है। जयप्रकाश नारायण का बिगुल कहां से बचता है? गुजरात से उनका कंपेनियनशिप हुआ, लेकिन उनका बिगुल बिहार से बचता है। आज भी जयप्रकाश नारायण, कर्पूरी ठाकुर, इन पर आप सवाल उठा नहीं सकते। कर्पूरी को आप बिहार से बाहर उनकी चर्चा करने की आप चेष्टा करेंगे तो लोग जानते नहीं है, वो छोड़ दीजिए। आपके बीजेपी में मैं जब बताती हूँ कैलाशपति मिश्र के बारे में तो संघ के लोग नहीं जानते वो कहानियां जो मैं बताती हूँ। तो एक जगह जो है वो जब एकदम गरीब हो जाता है तो इतना विखंडित हो जाता है कि उसकी आत्मकथा को बयान करने वाला भी वहां नहीं रह जाता। जब दुख और दर्द होता है, पीड़ा की कथा लिखने वाला भी कोई नहीं रह जाता। आप मुझे बताइए कि आज बिहार के सबसे बड़े पोएट कौन है, कवि कौन है? रामधारी सिंह दिनकर, कितने दिन उनको आप इलोक्यूशंस में आप उनकी कविता पर बोलिएगा। अब मैं आपको यहाँ बताऊं कि इतना गौरवशाली ये इतिहास था कि मधुशाला, अमिताभ बच्चन जी के पिता हरिवंश राय बच्चन की जो पहली प्रति थी उसका अनुमोदन, उसकी प्रस्तावना छपरा में आचार्य शिव पूजन सहाय तब राजेंद्र कॉलेज के प्रिंसिपल थे, उनकी लिखी हुई प्रस्तावना है। तो एक कल्चर का मतलब ये नहीं होता है कि बढ़िया कपड़ा पहन करके और फैशन शो आप पाटलिपुत्रा के मैदान में कर जाइए। एक जीवंत जगह वो है जहां गया का कल्चर भी हो। पिछले साल में गया भी गई। मैं दूंगी, लेकिन एक जगह में उसकी बहस को अगर गला दबा के इकोनॉमी ऑफ डेवलपमेंट, दुनिया में कोई ऐसा राष्ट्र नहीं होगा जिसकी इतनी दुर्दशा हो जितनी बिहार की है। मैं आपको ये बतलाती हूँ और बहुत एकदम कॉन्फिडेंस के साथ बतलाती हूँ कि इस तरह से जिसको बिहारी शब्द है दुर्गंजन, इतने दुर्गंजन का जीवन की हर माँ जो है वो बैठी रहती है कि कब आएगा पूर्व, कब आएगा राजेश, कब आएंगे गुरु, तो वहीं रहता है। जाने के पहले 5 जानने वाले कहिए कि हमको एगो टैक्सी का इंतजाम कर दीजिएगा, एगो रिक्शा भाड़ा कर दीजिएगा। अस्पताल में माई को भर्ती करा रहे हैं, उसका कहां से सिफारिश, प्राइवेट अस्पताल में सिफारिश करा दीजिएगा। इसको दुर्गंजन का जीवन। थैंक यू मैम, थैंक यू मनीषा, आई एम रियली इंस्पायरिंग टू हियर यू स्पीक एंड स्पेशली नाइस टू सी अ मिथिला पेंटिंग इन द बैकग्राउंड। दैट्स अ नाइस टच मैम। वी विल गो टू द लास्ट स्पीकर फॉर दिस सेशन। वी हैव शील कुमार जी। शील कुमार जी इज अ वेरी वेल नोन प्रोड्यूसर, इंडियन फिल्म प्रोड्यूसर बेस्ड आउट ऑफ मुंबई। मैं उनकी बस फिल्म की एक सिलेक्टेड लिस्ट की नाम लूंगा तो आप समझ जाएंगे कि उनका काम कितना बढ़िया रहा है पिछले कुछ सालों में। यू नो, सम ऑफ द मोस्ट पॉपुलर एंड लव्ड फिल्म्स ऑफ द लास्ट फ्यू इयर्स लाइक विकी डोनर, मद्रास कैफे, पाप, पिंक, ऑक्टोबर एंड मोस्ट रिसेंटली लाइक गुरु मेंशन, गुलाबो सिताबो। तो इन सब फिल्म्स के पीछे जो प्रोड्यूसर रहे हैं वो शिव कुमार जी रहे हैं। वेरी फ्यू पीपल नो ही इज फ्रॉम बिहार एंड वी आर वेरी हैप्पी दैट ही कुड जॉइन अस फॉर दिस सेशन at the Bihar Young Thinkers Forum. May I request Steel ji to please share his journey in about 7 to 8 minutes, after which we'll ask him a couple of questions. Thanks, Apoorv. Thanks a lot. Thanks, Guru. Manisha ji, respected Rajesh. Manisha ji, I'm very happy to hear your stories. Let me tell you this first. Thank you. And matlab, I'm very proud to say that ki, matlab, main isi identity ke saath main is industry mein kaam karta hoon ki main Bihar se hoon, Bihari hoon, aur mere yahan Bihari khane ka line lagta hai. Oh, very nice. जी, सो टू कट इट शॉर्ट, मैं, मेरी पढ़ाई लॉयला से हाई स्कूल से हुई है। आपके बाजू में ही था स्कूल, वो बाउंड्री था, वहां से पढ़ाई किया मैंने। उसके बाद साइंस कॉलेज में मैंने प्लस टू नहीं था तो प्लस टू वहां से किया मैंने।
और ये दशक था 89-90s का, जबकि हम लोग को सबको बाहर निकाल दिया गया कि भाई निकल जाओ यहाँ से शहर से, विच वॉज नॉट द पॉइंट. वो हमारे ही है और उसके बाजू में मेरे पिताजी नहीं चाहते थे. ये है जो कि लॉन्ग एंड शॉर्ट है बिहार का. मेरा बाय फोर्स जो हमारे यहाँ, मैं जो बोलना चाहता हूँ, देखिए मैं आपकी तरह तो मनीषा जी जितना अच्छे से बताई है, मतलब मैं तो सच्ची बता रहा हूँ मेरे पास शब्द ही नहीं रह गए बोलने के. राजेश जो कर रहा है, मतलब आई एम रियली इंस्पायर्ड राजेश, आई कैन से दैट. मेरे पास बहुत कम कल्चर है कि डॉक्टर का बेटा डॉक्टर, इंजीनियर बेटा इंजीनियर, और जो ये एक प्रथा है कि हमारे पास ऑप्शंस बहुत कम होते हैं और एक फोर्सफुली जो आपके पास में डाला जाता है कि आप मेडिकल कर लो इंजीनियर कर लो, क्योंकि यही तीन चार चीज के अलावा पांचवा चीज होता नहीं है, ऑप्शंस बहुत कम होते हैं हमारे पास में. सो मैं ये कहना चाहता हूँ कि प्लीज ड्रीम देखिए, क्योंकि मैंने भी मेडिकल खत्म किया जस्ट फॉर द नॉलेज. आई वॉज फोर्स टू कम्प्लीट मेडिकल डिग्री. डिग्री लेके आओ बेटा, उसका जो करना है करो. That was the one thing which I got from my family, and I have to complete my medical degree. And I think so. It's not me only. Today, the whole industry, if you see, अगर हम पूरी industry को देखते हैं, तो कोई ना कोई कुछ ना कुछ करके वो एक seat खराब करके आया है या use करके आज के दिन में वो कोई और काम कर रहा है. तो मेरा humble request है ये सारे जितने भी लोग हैं platform पे कि please जो pursue करना चाहते हैं pursue करें. मनीषा जी ने जो बताया लेबर्स के बारे में, मेरे लिए भी आई ओपनर से बहुत सारी बातें, टू बी वेरी ऑनेस्ट, क्योंकि मैं बिहार में आज पिछले 25 साल से मैं भी बहुत कम आना जाना हूँ. डेफिनेटली मेरा घर है, माता पिता अब बीमार है तो उनको मैं बॉम्बे लेके आ गया हूँ. बट मेरा एक बात है मनीषा जी की, मतलब आज जो लेबरर्स गए हैं, चाहे श्रमिक जो गए हैं ना, उनको आज हमारे पास बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है, जो कि मैं अपने दोस्तों से बोलते रहता हूँ, यार तुम लोग कुछ करो उन लेबरर्स को यूज करके, कुछ फार्मिंग में ही कहीं भी जहां कुछ कर सकते हैं प्लीज स्टार्ट करो. क्योंकि हमारे गांव में आज 10 साल से नीचे बच्चे हैं या 60 साल से ऊपर बुजुर्ग बचे हुए हैं, सारे यंग जो हैं इधर आ चुके हैं हमारे पास, सब बाहर निकल चुके हैं. तो ये बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी भी है मेरे हिसाब से, तो कि आज के दिन में जो ये पूरा यंग यूथ जो पहुंचा है वापस बिहार में, मेरे हिसाब से तो इट्स अपॉर्चुनिटी टू यूज देम एंड get them back to the roots. ये जो पलायन हुआ है, जो रिवर्स पलायन जो हुआ है, ये बहुत अच्छा हुआ एक तरह से मेरे हिसाब से तो आज के दिन में, कि आज के दिन में वापस वो अपने जमीन पे अपने काम कर सकते हैं और मौका दिया जाए उनको जो भी हो सकता है. तो आई एम एब्सोल्युटली ओपन टू द आइडिया टू डिस्कस दिस, टू डू समथिंग इफ आई कैन, क्योंकि मेरे से कुछ संभावना हो तो. और ये कंपल्शन वाला जो एजुकेशन सिस्टम है, इसको मैं सबको ये बोलना चाहता हूँ, प्लीज डोंट बी इन अ कंपल्शन टू डू एनीथिंग till the time you do dream something. कि पिताजी बोले हैं, माँ बोली है, चाहे कोई भी बोला ये करना है तो करना है. डेफिनेटली आई अंडरस्टैंड एजुकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, बट परस्यू योर ड्रीम. और मनीषा जी का एक बात जो था बहुत अच्छा, मुझे ये लगा कि रविंद्रनाथ टैगोर, मतलब का जो कला निकेतन, चाहे जितना भी उस तरह के ये थे कल्चरल सेंटर्स थे, जितने भी कल्चरल सेंटर्स थे, वो आज के दिन में मुझे अच्छे से याद है, बहुत अच्छे से याद है वो सारा चीज. और everything has lost the charm because everyone is moving only one direction, how to get out of Bihar. Har ka ek hi disha hai kaise nikle. To ye cheez ko dekhte hue bahut dukh hota hai, bahut log yahan pe aaj ke din mein, main aapko ye batana chahunga, is industry mein jitne bhi lekhak hain, jitne bhi tv series ke lekhak writer, matlab main itna zarur keh sakta hu 80% Bihar se hain aur सब अच्छा कर रहे हैं अपने. तो मेरा ये है कि प्लीज ड्रीम योर व्हाट यू ड्रीम, प्लीज ट्राई टू अचीव. इट्स नॉट दैट यू नीड टू गेट आउट ऑफ बिहार, यू कैन स्टार्ट फ्रॉम बिहार.
जिसमें आप पढ़ते लिखते थे, गोष्ठियां थी, जिस बिहार की मैं चर्चा कर रही हूँ वहां आपको यह आश्चर्य होगा कि शहर मतलब होता है कि एक आध करोड़ खर्चा करके ऐसा ऐसा कपड़ा खरीद लीजिए जो जिंदगी में कभी पहनिएगा नहीं दोबारा, ऐसा ऐसा गहना खरीद लीजिए जो ससुराल बैंक के लॉकर में जिंदगी भर रहेगा। बेसिकली त्रिवेदी का फोटो जब बोले तो मुझे जी 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 विल कनेक्ट लेटर ऑन दिस आई विल आल्सो शो यू समथिंग दैट यू विल लव एंड दिस जी सो ये जो है बहुत इंटरेस्टिंग है कि मेरे दादाजी का डिग्री है जो कि पटना कॉलेज मतलब साइंस कॉलेज होता था उस समय और हाँ ये बहुत इंटरेस्टिंग है बाय द वे ये आरा जिला से जब वो पास आउट किए थे 1912 में तो एनीवे दिस वाज जस्ट व्हेन त्रिवेदी आई जस्ट गॉट नॉस्टैल्जिक एंड आई वेंट इनटू पर्सनल जोन आई थिंक सो दिस वाज वंडरफुल थैंक यू सो मच यू नो दीस आर देयर वेडिंग पिक्चर अगर आप देखिए जी माड़ो में मेरे सास ससुर खड़े हैं और मेरे फादर इन लॉ जयदेव सहाय जी इनको नेहरू जी ने न्योता दे के बुलाया था कि जिसको टेम्पल्स ऑफ मॉडर्न इंडिया बुलाते हैं जो फर्स्ट पावर प्लांट्स थे बरौनी में या पतरातू में ये मेरे फादर इन लॉ ने बनाया और जेपी मेरे फादर इन लॉ के साथ कंसल्ट करते थे हमेशा कि जेपी को ये लगता था कि नेहरू से पावर लिया जाएगा और कभी ना कभी उनको लगता था कि सत्ता जो मनीषा आई थिंक यू बीन म्यूटेड मनीषा जी यू बीन म्यूटेड दैट एक तरह से ये मेरे फादर इन लॉ का चित्र था जो मैंने दिखाया और ये इनके शादी का बंदर बगीचा में इनकी कहीं शादी हुई थी और ये पिक्चर मुझे अपने ससुराल में जो सबसे अच्छी चीज मुझे मिली वो उनकी ये छवि थी इसको यू नो आई चेंज्ड इट इनटू अ बिग थिंग नाउ माय फादर इन लॉ वॉज अ पावर सेक्टर इंजीनियर इन मैनचेस्टर और जब भारत आजाद हुआ तो नेहरू ने लिख के इनको न्योता दिया वापस कि हमको टेम्पल्स ऑफ मॉडर्न इंडिया बनाना है और मेरे ससुर जी और उसी इसमें रूसी मोदी जी कृष्णमूर्ति जिनको स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया के नाम से आप जानते हैं ये सब लोग पानी के जहाज से वापस आए 3 महीना चढ़ के और आप बरौनी का पतरातू का जो पावर प्लांट्स देखते हैं वो मेरे फादर इन लॉ ने बनाया लेकिन उसके साथ ही मेरे फादर इन लॉ के अजीज मित्र थे जयप्रकाश नारायण रात को जेपी आते थे पटना के बोरिंग रोड में उनसे बातचीत करते थे और जेपी का ये विश्वास था कि कभी ना कभी सत्ता का हस्तांतरण होगा कांग्रेस से ये सत्ता जो है गैर कांग्रेसी दलों के पास थे कि सत्ता की तैयारी के लिए हमको हर किस्म की तैयारी करनी है डॉक्टर इंजीनियर राइटर द बेस्ट पोएट्री डन इन पटना वाज एट द टाइम ऑफ द इमरजेंसी मूवमेंट यू नो आई हैव बीन इंटरव्यूइंग वुमेन राइटर्स ऑफ द टाइम पोएट्स ऑफ द टाइम लिटरेचर ऑफ द टाइम द फैक्ट इज that our society had a culture and that's the culture that needs to be spoken about with confidence but more importantly people like me and people like Sheel ji or people like Rajesh ji who are idol bearer I don't even know how to laugh properly we have to find ways in which we can tell the world that this were us we are not about labor or naukar le aana or maid le aana keval ye phate paon se samajhna aap chithda bihar nahi hai iski awaaz thi iski katha thi कथा है चोपड़ा फार्मेसी है या त्रिवेदी है या ये कहानियां जो है बहुत सहज है लेकिन बहुत महत्वपूर्ण है थैंक यू मनीषा मैम दिस इज सच अ फैसिनेटिंग कॉन्वर्सेशन वी कैन गो ऑन फॉर अ मच लॉन्गर टाइम बट अनफॉर्चुनेटली वी रन आउट ऑफ टाइम एंड आवर नेक्स्ट स्पीकर श्री जयंत सिन्हा जी इज ऑलरेडी हियर
Just wanted to thank Rajesh ji, Manisha ji, Sheel Kumar ji for taking out time on a Sunday morning and participating in such a wonderful conversation. This was really one of the most loved sessions of this entire Young Thinkers Forum. Thank you once again for taking your time. You're very thank grateful. You, thank you, thank you, Manisha ji. Thank you, Rajesh. Thank you. Thank you. Thank you. Let's keep in touch, Rajesh. Manisha ji, baat karte hain fir aapse. Bahut kuch seekhne ko milega aapse. Rajesh ji, aapse bhi baat hogi. Thank you, Manisha ma'am. Aur Apurva, thank you so much ki corona ke time pe tumne ye bataya ki aaj Sunday hai. Thank you, Apurva. Back to you, Guru. Thank you. Thank you, everyone. Thanks, Gautam. Thank you. 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 Thank
expert based in Delhi to take over this session and please moderate. Over to you, Pratyush. Thank you, Guru. Not IIT, though, NIT. Good morning, everyone, and many welcome to Jayant Sinha, sir. So today we have with us someone who actually needs no introduction, but just at the cost of repetition, I would still introduce him. Jayant Sinha ji is a fellow Bihari, I would also say, just like Guru Bhai said, and he is a two-time MP from Hazaribagh, Jharkhand. As chairman of Standing Committee for Finance, he leads the parliamentary panel that has oversight of Ministry of Finance, Ministry of Corporate Affairs, Ministry of Statistics and Program Implementation, and NITI Aayog. As former, he has also been a former Minister of State of Civil Aviation and Minister of State for Finance. And as a minister, he gained wide recognition as an innovative and result-oriented policymaker, from the game-changing bankruptcy code to establishing sovereign fund to enabling common citizens of our country to fly through Uran scheme. He has been instrumental in piloting several reform and welfare-oriented policies and measures. Prior to his career in public policy and public service, his career is also worth getting inspired and emulating. He has been a partner at OMDR Network, MD at Courage Capital Management, and a partner at McKinsey before he joined public service. And he is an MBA from Harvard Business School, an MS in Energy Management and Policy from University of Pennsylvania, and an alumnus of IIT Delhi. He is also a widely published author and features regularly in global and Indian media. Welcome so much, sir. We are all blessed to have you with us. And today, just to brief you a bit, we have been, for the past 2 days, we have been deliberating on the theme of Bihar, the road ahead. We are going through a challenging time. And the focus is also on Bihar in terms of how we will deal with the issue of migrant laborers who have come in, and how we can all leverage our collective strength to drive Bihar through to a higher growth trajectory and to drive national growth, as we all are, committed to both our sub-nationalism and our nationalism. And so we have been, this forum has been deliberating on that for the past 2 days. We have had several people from all walks of life. We had actors, social scientists, we had academicians, we had diplomats who presented their thoughts on how we can, build a new Bihar. And we had several themes like road not taken, power new Bihar, ideas and institutions for new Bihar, and roots to roots. And on these several themes, people presented their ideas, and we deliberated on how we can collectively contribute to developing a new Bihar, which is both reform-oriented as well as welfare-oriented. And so, sir, we would like to listen to your thoughts as a fellow Bihari. We would like to listen to your journey from Hazaribagh to Harvard and back from Harvard to Hazaribagh. How has been this journey? And what has been your experience? We would like to listen to your vision for New Bihar, how we can all contribute to making of a New Bihar, and most importantly, how we can all contribute to improving the ground situation in Bihar, to how to
how we can ensure the people, how we can ensure the welfare of our fellow Biharis who are, say, not as privileged as we all are. Thank you so much, sir, for coming, for joining us. We would like to listen to your enlightening thoughts. Thank you. Thank you very much, Pratyushji, for that very kind introduction, and a very good morning to all of you. I know this is meant to be a session that includes people from all over the world, so I'm sure there are some people for whom this is late at night as well. So a very good night to you all also. Friends, first of all, I'm flattered that you have called me a fellow Bihari, which of course I am, but I am now in Jharkhand. So I'm as much a Jharkhandi as I'm a Bihari, but of course, as you all know, my family on my father's side is from Baksar Jila, village Pandepatti, and my mother's family is from Ara in Surojpura. And I was very pleased to see that somebody was showing some pictures of people from Ara, because every time I go back to Ara, I go back to my Naniyal in Surojpura, which I did not so long ago. I'm always very, very happy to go back to those places which my family has had such a long, multi-generational, multi-century attachment. In fact, a couple of years ago, I had a chance to revisit where my great-grandfather is from in Surojpura. And there, the family tree goes back to the 1500s. So it is a very long and durable sense of attachments. As you know, my father, of course, is a student of Patna College and Patna University. Most of my relatives and a lot of my own childhood was spent in Patna as well. So while now I am somebody who spends all his time in Jharkhand, I very much feel that I am still Bihari with respect to my family, with respect to how I speak my Hindi, the way, of course, I come across. So in that sense, every time I get an opportunity to participate in any of these events that include Biharis from all over the world, I'm very, very happy to join with all of you and to share with you my thoughts. Friends, in a way, my own life, in some ways, represents the story of many of your lives, and also, in a way, the challenges that Bihar, Jharkhand face today. And as you know, some of you may know, I was born in Giridi. My father was CEO in Hazaribagh district, Giridi subdivision at that time. And I was born in Giridi, and the first 10 or 12 years of my life were very much spent in Bihar, Patna, Giridi, Dumka, Hazaribagh, and so on. Like many of you, I grew up, of course, at that time, unified Bihar. And I was very pleased to hear what Manisha ji was saying about Bihari culture, Bihari roots, because growing up as a child and, obviously, even as a teenager, this is what I was brought up in. This is what I belong to. But increasingly, as you get older, there are many things that pull you away from Bihar. Starting, of course, my father, of course, got posted to Delhi. So I ended up in Delhi and so on. Though we kept going back to Bihar all the time. And then once I went to IIT Delhi, it became more and more difficult to go back to Bihar to be a part of Bihari culture. Though I will tell you a funny story. When I went to IIT Delhi as a fresher, I was being ragged. Some people said to me, ki bhai Jain ji, aap jaakar zara ye cigarette jaakar le aaiye aap wahan us paan wali ki dukaan se. To main gaya wahan bhai paan wale ki dukaan se cigarette lane. Aur jab main cigarette lane gaya to wahan kai sare senior wagera khade hue the. To unke samne maine kaha ki bhai wahan kuch senior hain hostel mein. Unhone kaha ki do tho cigarette le aao. तो वहां जो सीनियर बैठे थे दो ठो का क्या मतलब है, यानी कि आप बिहारी हैं, हम आपको पकड़ के अभी रैग करते हैं बिहारी होने के नाते. तो क्या होता है कि अगर हम बिहार के होते हैं तो बिहार से जैसे जो बोलने का तरीका होता है, जो लहजा होता है, वो बदलता नहीं है, जल्दी नहीं बदलता. तो एनीवे वो हम लोग फिर निकलते गए. उसके बाद एज यू नो हम लोगों के समय आप लोग तो सब लोग मची और पोस्ट लिबरलाइजेशन है, लेकिन हम लोगों के जमाने में 1985 में जब हम लोग आईआईटी से ग्रेजुएट किए तो हरदम यही था कि भाई हम लोगों को बाहर ही जाना है. तो हम लोग सब लोग, मतलब हमारे बैच में से मैं समझता हूँ कि करीब 60-70-80% लोग जो थे वो सब लगभग अमेरिका ही चले गए. आज के समय आईआईटी में वो नहीं है. आज के समय आईआईटी में 10-20% ही लोग बाहर जा रहे हैं.
लेकिन हम लोगों के जमाने में हम लोग सब लोग बाहर चले गए और हम यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया गए, उसके बाद MBA वगैरह किए और बहुत साल फिर 20-22 साल हम अमरीका में थे। और फिर जब हम लौटे, हम दिल्ली ही लौटे और झारखंड के साथ जो हम लोगों का संबंध था वो तो था ही था। लेकिन हम ये सब बता रहे हैं इसलिए क्योंकि जो बिहारी एलीट है, और अगर आज बिहार की जो दुर्दशा है, बिहार में जो आज हम लोगों को लग रहा है कि कोई विकास नहीं हो पाया है जितना होना चाहिए था बिहार की, अगर हम लोग प्राकृतिक जो अगर हम लोग साधन देख लें, बिहार में जितने टैलेंटेड लोग हैं उनको देख लें, उसके अनुसार जो विकास होना था बिहार को, जो बिहार को नेतृत्व शुड हैव प्रोवाइडेड द वर्ल्ड, एज मनीषा जी वाज़ सेइंग, कि बहुत ज़बरदस्त हम लोगों के कल्चरल और इंटेलेक्चुअल हम लोगों के कॉन्ट्रीब्यूशंस रहे हैं, चाहे वो राजनीति में हो, चाहे वो साहित्य में हो, चाहे वो कला में हो, हर भी किसी भी क्षेत्र में आप देख लें तो बिहारियों का जो योगदान रहा है वो बहुत ही गजब का रहा है, कमाल का रहा है। लेकिन ये सब होते हुए भी जो बिहार को विकास करना था वो विकास नहीं हुआ, और वो हम लोगों की जिंदगी इसको दर्शाती है। क्योंकि जिस प्रकार से हम लोग बिहार में, हम लोगों को सब अपने अपने संस्कार मिले, अपने पढ़ने लिखने की आदतें बनी, ये सब जो हुआ सेंट माइकल्स में पढ़े जो भी कुछ, लेकिन उसके तत्पश्चात हम लोग बिहार छोड़ के चले गए, बिहार छोड़ के चले गए, और फिर हम लोगों को जो बिहार को वापस देना था, जो बिहार में हम लोगों को मेहनत करनी थी, वो हम लोगों ने नहीं किया। अच्छा, इसमें मैं अपने को एक एक्सेप्शन मानता हूँ, क्योंकि चलिए संयुक्त बिहार की अगर बात करें तो झारखंड भी था और अब मैं झारखंड में तो अपना समय दे ही रहा हूँ, लेकिन अधिकतर मैं देखता हूँ कि जो लोग बिहार के लोग थे, खासकर बिहार के टैलेंटेड जो एलीट हैं, उन लोगों का अब योगदान बिहार के लिए कम है। देश वेरी बिग चैलेंजेस दैट वी फेस फॉर बिहार और फॉर झारखंड फॉर दैट मैटर इज हाउ डू वी गेट आवर टैलेंटेड पीपल बैक कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू व्हाट इज इम्पोर्टेंट in our regions. And there I'd like to really emphasize three areas which are very important for your own individual contribution for Bihar, Jharkhand or any other region that you are interested in. There are three particular areas where I think it's very important for all of you. Some of you certainly are in Bihar, many of you may not be in Bihar, but to get your contributions and the contributions of your colleagues to enable Bihar to progress. So three very important areas. The first area is obviously in the area of business and what can be done with respect to various different types of businesses, the manner in which you can invest, the manner in which your companies, for example, if you're working for a company, can be brought back to Bihar. That is a very important contribution to make, because the single most critical thing for Bihar right now is investment, new enterprises, new businesses. अच्छा, बिहार में अगर आप देखें तो इंडस्ट्रियलाइजेशन जो झारखंड का था वो तो चला ही गया, लेकिन उसके बाद बिहार का जो इंडस्ट्रियलाइजेशन होना था, जो बिहार में हम लोगों को नए नए एंटरप्राइजेस खोलने थे, वो बहुत कम खुले। अब आईटी सर्विसेज अगर आप देख लें तो वाई शुड बिहार बी अ बिग सेंटर फॉर आईटी सर्विसेज, आफ्टर ऑल वी हैव द टैलेंट। आप बैंगलोर में देख लें, गुड़गांव देख लें, इतने सारे बिहार के लोग हैं जो आईटी सर्विसेज वगैरह में काम कर रहे हैं, लेकिन पटना में आईटी सर्विसेज का कोई अभी तक मुझे लगता है सेंटर वगैरह खास नहीं खुल पाया। तो इंडस्ट्री को हम लोगों को लाना है, बहुत जरूरी है, एंड मोस्ट ऑफ द इंडस्ट्रीज विद इंडिया इज स्ट्रॉन्ग आर इंडस्ट्रीज दैट रिलाई ऑन ह्यूमन टैलेंट, एज आई सेड आईटी सर्विसेज, बीपीओ, मेडिकल सर्विसेज। देयर इज नो रीजन गिवन ऑल द एक्सेप्शनल बिहारी डॉक्टर्स दैट वी हैव, पटना कुड नॉट बी अ बिगर सेंटर फॉर मेडिकल सर्विसेज। आई विल गिव यू एन एग्जांपल, में किसी को भी कोई स्पेशलाइज मेडिकल केयर करना है तो कुछ लोग रांची जाते हैं, पर अधिकतर लोग अभी भी दिल्ली जाएंगे या आपको हैरानी होगी जानकर कि वेलोर जाएंगे, वेलोर जाते हैं, लेकिन पटना नहीं जाता है। पर पटना में जो भी कुछ मेडिकल फैसिलिटीज के लिए अगर आप नजरिए से देखें तो मेडिकल फैसिलिटीज पटना में हो सकती हैं, डॉक्टर्स हैं, अस्पताल हैं, बहुत पुराने यहाँ अस्पताल रहे हैं, PMCH है, सब कुछ है। तो वाई कांट
पास उतना ह्यूमन टैलेंट उतना ह्यूमन रिसोर्सेज जितना होना चाहिए स्पेशलाइज्ड होना चाहिए एंटरप्रेन्योरशिप होना चाहिए उतना नहीं हो पाया सो द सेकंड एरिया वेयर वी एज एलीट हैव टू हेल्प बिहार इज इन द एरिया ऑफ एजुकेशन बिकॉज एजुकेशन इज द फाउंडेशन ऑन विच वी कैन बिल्ड मोर इंडस्ट्रीज वी कैन बिल्ड एंटरप्रेन्योरशिप एंड देयर ऑल्सो इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दैट ऑल ऑफ अस कॉन्ट्रीब्यूट एंड एनेबल यू नो बिहार टू डू वेल I'll tell you what I have myself done in Hazaribagh. Is in Hazaribagh over the last 5-6 years with a lot of effort, we have been able to establish a medical college. And now we are going to be building a 500-bed medical hospital. Luckily, we've been able to get it done in a way such that we have, the hospital that's going to be built is going to be built by Shapurji Palonji. It's going to be an absolutely world-class, top-quality hospital. Now, certainly we have an AIIMS in Patna. So the AIIMS is there in Patna. But we need good medical colleges and good faculty in Darbhanga, in Muzaffarpur, in all these other cities as well, in Gaya. Hain, aisi baat nahi, Gaya Medical College wagera hain. Lekin faculty and facilities have to be world class. Only if they are world class and we work with our elected representatives, put pressure on our elected representatives to ensure that they really, really work towards bringing people, the institutions that are truly top class, only then will we be able to strengthen education in Bihar. So first, as I said, we have to focus on industry and business. Second, we have to equally focus on education. And education is another area where we have many, many top quality, top class Biharis that should come back and contribute. So that's the second area where the contribution is required. The third area, and here again I come back and what I have done. जो हमारे इतने सारे talented बिहारी लोग बहुत बढ़िया से बढ़कर एक लोग जो हैं इनको राजनीति में भी भाग लेना है जब ऐसे ऐसे लोग वापस आएंगे जिनका विजन है जिसकी जानकारी है जो दुनिया को जानते हैं जिनके रिलेशनशिप्स हैं नेटवर्क्स हैं उनकी सोच ही अलग है और अगर हम लोग बस पुराने सोच में लगे रहे हैं पुराने राजनीति में लगे रहे हैं तो बिहार में वो चेंज कभी आएगा ही नहीं वो तरक्की कभी आ ही नहीं सकती तो ये भी एलीट बिहारी इसके लिए भी बहुत जरूरी है कि एलीट बिहारी जो हैं जो टॉप बिहारी जो हैं जो बिहार छोड़ छोड़ के चले गए हैं आज पूरे विश्व भर में सफल हो रहे हैं उन लोगों को ये भी समझना चाहिए कि हमारी जिम्मेवारी सिर्फ ये नहीं है कि हमारे परिवार में हम लोग कितनी तरक्की कर रहे हैं कितनी हमारी कमाई है कितनी मेरी सैलरी है मेरे बच्चों की अच्छी नौकरी लगी कि नहीं लगी You cannot just restrict yourself to those thoughts, to those ideas. You have a larger responsibility to society, you have a larger responsibility to your region, and you have to come back and contribute. Now, I will say that that is exactly what has prompted me and motivated me to come back. And you asked the question, Pratyush, ki bhai, aap Hazaribagh se Harvard kaise gaye aur Harvard se Hazaribagh kaise aaye? So, maine jo pehle aapko bataya, कि मेरी जो मेरा जो जन्म ही हुआ था वो गिरिडीह में हुआ मेरी पढ़ाई लिखाई जो थी वो दुमका में हुई पटना में हुई थोड़ी बहुत दिल्ली में हुई और आईआईटी के बाद वगैरह वगैरह पढ़ते लिखते हम लोग पहुंच गए हार्वर्ड पर वो हजारीबाग से हार्वर्ड गया था वो मामला सब जो हमको ग्राउंडिंग मिली जो हमारे संस्कार मिले जो हमने सीखा पढ़ा लिखा आप लोगों को आश्चर्य होगा जानकर मुझे लगता नहीं कि आज के समय ये संस्था है भी यहाँ लेकिन आपको आश्चर्य होगा जानकर कि जब हम बचपन में अधिकतर जो हमने किताबें पढ़ी हैं वो हमने ब्रिटिश काउंसिल लाइब्रेरी पटना से पढ़ी हैं ब्रिटिश काउंसिल लाइब्रेरी पटना में हुआ करती थी तो हम अक्सर वहां जा जाके कितनी सारी हमने किताबें वहां लेकर पढ़ी तो वी आर व्हाट वी आर बिकॉज ऑफ व्हाट वी रिसीव्ड फ्रॉम आवर ओन होम स्टेट बटन तो हम लोग हार्वर्ड पहुंचे लेकिन जब हम हार्वर्ड पहुंच गए हैं जब हमें सफलता प्राप्त हो गई है तो ये भी हमारी जिम्मेवारी बनती है कि हम लोगों को जाकर राजनीति के द्वारा या कोई भी और आप सार्वजनिक जीवन में माध्यम ले लीजिए चाहे वो एनजीओ हो या कोई इंस्टीट्यूट हो आपको जो राजनीतिक माहौल है जो राजनीतिक जो एक्टिविटीज हैं उसमें आपको भी भाग लेना है आपको भी कॉन्ट्रीब्यूट करना है जिसमें कि उसका लेवल बढ़े जिसमें कि अच्छे अच्छे लोगों के सोच आए विचार आए और ये बड़ी दुखद बात है साथियों मैं आप लोगों को बताऊंगा बड़ी दुखद बात है क्योंकि जैसे अभी मनीषा जी बता रही थी कि 1950s 60s की अगर आप बात करें तो बिहारी जो थे वो वापस भी आए जैसे उन्होंने सहाय जी की बात की मुझे याद है अच्छी तरह से
बोरिंग रोड में रहा करते थे सहाय साहब, चीफ इंजीनियर थे पूरे बिहार के इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के, और मैनचेस्टर में थे जैसे मनीषा जी ने बताया. वही केम बैक. मेरे खुद फूफा जी जो थे, जो सिंदरी में डायरेक्टर थे, मुजफ्फरपुर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के डायरेक्टर थे, वो भी इंग्लैंड से वापस आए और उन्होंने बिहार में कॉन्ट्रीब्यूट किया. जयप्रकाश जी, आप लोगों को मालूम होगा, जयप्रकाश नारायण जी जो थे, उनकी पीएचडी आपको मालूम है कहां से थी? किसको मालूम है कहां से थी? यूसी बर्कली से थी. बट ही केम बैक. द टॉप बिहारीज, द एलीट बिहारीज ऑफ दैट जनरेशन केम बैक. दे कॉन्ट्रीब्यूटेड टू बिहार एंड इन पर्टिकुलर दे कॉन्ट्रीब्यूटेड टू पब्लिक लाइफ इन बिहार. जहां जहां पढ़े हो, चाहे बनारस से पढ़े हो, कलकत्ते से पढ़े हो, बर्कली से पढ़े हो, लंदन से पढ़े हो, दे केम बैक. और एक बिहार फ्लरिश भी किया. मुझे अच्छी तरह से याद है 50s, 60s, 70s तक बिहार फ्लरिश भी किया. और उसके बाद क्योंकि सब लोग छोड़ते गए, कोई वापस नहीं आया, किसी ने बिहार में योग. एक समय होता है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप 30s एंड 40s में करिए, बट 50s एंड 60s में आप जरूर आपका योगदान बिहार में आना चाहिए. तो वी हैव टू गिव बैक एंड आई हैव डन इट इन माई ओन लाइफ. दैट हैज बीन माई गोल, दैट यू नो वट एवर आई हैव रिसीव, जो भी मुझे मिला है उसका एक कर्ज मुझे उतारना है और एक ऋण उतारना है. तो मुझे भी अपने समाज को, अपने क्षेत्र को, अपनी जन्मभूमि को मुझे भी वापस देना है. और ये आप सब लोगों को सोचना चाहिए कि कैसे आप अपना कॉन्ट्रीब्यूशन दे सकते हैं, आपका योगदान हो सकता है. लेकिन आज के समय मैं आपको पूरे विश्वास से कह सकता हूँ कि तरस रहा है, हमारा क्षेत्र तरस रहा है कि वो जो बाहर चले गए हैं, जो बाहरी हैं, वो वापस कब आएंगे और हमें उनका योगदान कब मिलेगा. और जब इनका योगदान मिलेगा, क्योंकि इनका एक 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 दुनियादारी है, एक दुनिया के बारे में समझ है, जानकारी है, जब ये आएगा तब